हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड बायर इन सिंगापुर। लास्ट मंथ में मैं सिंगापुर जाके आया हूँ और नेक्स्ट वीक में भी मैं सिंगापुर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमारे ट्रेनिंग में भी मैं यही सिखाता हूँ जो मुझे आता है। तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर और जो हमारे एशियन कंट्रीज है उसमें, जैसे कि ये थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो वियतनाम हो गया, तो यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया फायदा ये है कि नियर बाय कंट्री है तो लॉजिस्टिक कम लगेगा, तो ये एक बढ़िया एडवांटेज है। तो स्पेशल इन सिंगापुर कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ वहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है, वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल एंड फूड प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। देखो, इंडिया से वहाँ पे जाता है फ्रूट वेजिटेबल एंड फूड प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा। दूसरा है एक फैशन एसेसरीज, जो पर्सीज वगैरह है, देखो वो वहाँ पे लोगों की इनकम बहुत हाई है, पर कैपिटल इनकम वर्ल्ड में थर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे अमीर लोग ज़्यादा है, तो वो जो है एसेसरीज आप उसको बेच सकते हो। और जो फूड है वो बहुत जाता है यहाँ से, प्रोसेस फूड वगैरह जाता है, तो ये वहाँ पे आप पेट फूड भी आप बेच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अमीर लोग हैं तो वहाँ पे पेट रहते हैं, तो पेट फूड भी आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा अच्छी एक चीज़ है, ज्वेलरी आप यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। डायमंड है, डायमंड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, वो भी वहाँ पे अच्छी बिकेगी। और वहाँ पे बायर कैसे फाइंड करना, तो जो बायर फाइंड करना वहाँ पे एजेंट वगैरह जो है रहते हैं, तो आपको उसको जो है जो इंपोर्टर है या एजेंट दोनों में से आपको बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट उसको आप दिखाओ और उसको कन्विंस करो कि यस दिस इज अ गुड प्रोडक्ट एंड यू कैन बाय इट, देन दे विल बाय इट। तो मैं अगेन जा रहा हूँ वहाँ पे, हमारे प्रोडक्ट के सैंपल लेके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे अक्टूबर में, फर्स्ट अक्टूबर टू एट अक्टूबर में सिंगापुर में रहूँगा। 7 डेज का पूरा मैंने टूर बनाया है और यहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट पहले से ही ले ली है कि मैं डेट में वहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे आपसे मिलना है, आई विल शो माई सैंपल टू यू। तो वहाँ जाके मैं मिलूंगा और उसे डन करूँगा। और बहुत बढ़िया ये चीज़ है, इंडिया वाले दुनिया में होशियार लोग तो ही, सबसे ज्यादा बुद्धि इंडियन लोगों के पास है। तो मैं पहली बार गया तभी देखा कि उसने सामने से बोलते कि यू आर क्रेजी पीपल, कि आप जितना माइंड लगा सकते हो उतना हम नहीं लगा सकते, तो फिर हमें क्या करना है, हमें माइंड तो लगाना है। तो वहां पे भी देखो वो ईगोइस्ट, उसके पास पैसा है तो पैसा आने से ईगो तो आना ही आना है, तो वहाँ के पीपल में थोड़ा ईगो है कि वी आर गुड, वी आर फर्स्ट, उसको सब मतलब ईगरली सब चाहिए, सबसे आगे रहना है। तो ये भी आप चीज़ देखो, मैं आपको लाइक है ना, अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, तो आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, दो तीन आपकी प्रोडक्ट के टू थ्री या डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, तो उसने सबसे बात करो कि उसे बोलो मैंने महेश, रमेश, सुरेश ये तीनों से बात किया है कि वो मेरे, महेश जो है वो मेरी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो उसका कंप्यूटर को क्या लगेगा, मेरा कंप्यूटर इसकी फ्रेंचाइजी ले लगा, उससे अच्छा है मैं उसकी फ्रेंचाइजी ले लूं। तो वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे, यस आई लाइक योर प्रोडक्ट एंड आई एम लिटिल बिट इंटरेस्टेड, और पूरा इंटरेस्ट लेके आपका वो फ्रेंचाइजी ले सकता है, आपका डीलर बन सकता है। तो वहां के डीलर को कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां जो होलसेलर डीलर है उसको कॉन्टेक्ट कीजिए, और एक को करने से काम नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, एक डीलर को कॉन्टेक्ट करने से काम नहीं होगा, उसको अंदरों अंदर कॉम्पिटिशन आपको करवाना पड़ेगा, तभी जाके उसको क्या लगेगा कि मैं नहीं लूंगा तो मेरा कंप्यूटर लगेगा। तो आपको एडवांस में पैसा भी देंगे, आपका एडवांस डीलरशिप भी लेंगे, आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिंगापुर में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वहां पे क्वालिटी प्रोडक्ट एक ध्यान रखो, वहां पे दो चीज बहुत चलता है, एक प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनल, आपका वेबसाइट वगैरह अच्छा नहीं है, पूरा बढ़िया चीज़ नहीं है आपने, और लाइक सर्टिफिकेशन लाइसेंस जो होता है वो आपके, तो उसको अच्छा दिख, उसको बड़ा चाहिए, उसको बड़ा दिखाना पड़ेगा और बड़ा चाहिए। और देखो गलत कुछ नहीं बोलना है इंटरनेशनल बिजनेस में, गलत कुछ नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, और प्रॉमिस मत करो, और पहुंच के हम ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, चांद तारे हम आपको प्रोडक्ट में दे देंगे, ऐसा नहीं। जो है ट्रूथ बोलो, सही बोलो, और बढ़िया प्रोफाइल बनाओ आपका, तो उस हिसाब से आप काम करोगे। तो सिंगापुर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो वीडियो आपको काम आए। देखो मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स आते, सर आप हेल्प कर रहे हो, पूरे देश को हेल्प हो रही है, अगर देश को हेल्प हो रही है तो आई लाइक टू हेल्प हमारे कंट्री को, और मेरे वीडियो से अगर हमारा देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो बहुत अच्छी
चीजें मैं आपको एक्सपोर्टर बनाना चाहते हो, हमारा देश को देश का जो एक्सपोर्ट बढ़े उसके लिए मैं तो और वीडियो बना के और मेहनत करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा जो सिंगापुर टूर है आप मुझे यूट्यूब पे पूरा देख भी सकते हैं क्या क्या है, मैं जो भी पॉसिबल होगा वो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा, जिससे आपको पता चले कि लाइव क्या होता है, विदेश में क्या होता है, कैसे डील होती है, कैसे उसको अपॉइंटमेंट होता है उसके ऑफिस में, कैसे पूरा जो भी पॉसिबल होगा मैं वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप और भी लोगों को शेयर कीजिए कि हमारा जो राइट नॉलेज है हर जगह पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।